नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल जारी, सितंबर तक जारी हो सकते हैं आंकड़े, एम्स के निदेशक ने दी जानकारी। कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या 3,464 बढ़ी, 4,08,977 हुए एक्टिव केस। देश में बीते 24 घंटे में 39,097 नए मामले आए सामने, 546 लोगों की हुई मौत। टोक्यो ओलंपिक हॉकी के ओपनिंग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। तीसरे ओडीआई में श्रीलंका ने इंडिया को 3 विकेट से हराया, हालांकि सीरीज भारत ने जीती। नागपुर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 6 कंपनियों ने दिखाई रुचि, 21 अगस्त को होगा सलाहकार का चयन। शहर में 4 बजे के बाद 25% महंगे खाने का पार्सल, नागपुर में दूसरे शहरों से आने वाले स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले लोग परेशान। शहर में लॉकडाउन ज्यों का त्यों, अगले आदेश तक 4 बजे तक ही रहेगी छूट, 8 बजे तक बढ़ाने की हुई थी मांग। शादियों में प्रोटोकॉल का उल्लंघन, एनडीएस दस्ते ने की कार्रवाई, 7 प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल जारी, सितंबर तक जारी हो सकते हैं आंकड़े, एम्स के निदेशक ने दी जानकारी। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।